बॉलीवुड में पिछले साल से छोटे बजट की फिल्मों का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। इसी कड़ी में इस साल रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की फिल्म लुक्का छिपी फैंस को खूब पसंद आ रही है। छोटे शहर के प्रेमी जोड़ी की लिव इन में रहने की चाहत और फिर शादी करके घर बसाने के ताने बाने में बुनी कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म 4 दिन में 40 करोड़ का बिजनेस करने में भी सफल रही। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के आंकड़े शेयर करते हुए जानकारी दी। फिल्म ने शुक्रवार को 8.1 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं शनिवार को 10.8 करोड़ रुपए चौंकाने वाले कलेक्शन किए हैं। इस रोम कॉम फिल्म की स्टोरी लोगों को इतनी पसंद आई कि फिल्म ने संडे को 14.4 करोड़ रुपए की कमाई करके सबको चौंका दिया। सोमवार को फिल्म ने 7.90 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हुए भारत में टोटल 40.03 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहानी गढ़ी गई है। फिल्म में कार्तिक आर्यन जो गुड्डू के किरदार में और कृति सैनन जो रश्मि के किरदार में होते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन दोनों की सोच में काफी ज्यादा अंतर होता है। गुड्डू का मानना है कि अगर प्यार है तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि शादी प्यार को और मजबूत बना देती है। वहीं रश्मि का मानना है कि प्यार अपनी जगह है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप से यह जानने में आसानी होती है कि आपका पार्टनर साथ रहने लायक है या नहीं। फिल्म के संगीत की बात करें तो कोका कोला और पोस्टर लगवा दो गाने को पहले ही हिट हो चुके हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कृति सैनन के अलावा अपार शक्ति खुराना, विनय पाठक और पंकज त्रिपाठी भी अहम भूमिका में है। बता दें कि फिल्म लुक्का छिपी के बाद बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपने पसंदीदा फिल्मकारों में से एक इम्तियाज अली के साथ लव आजकल के सीक्वल में काम करेंगे। लव आजकल 10 साल पहले रिलीज हुई थी जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण नजर आए थे।